थैंक यू सो मच। मैं दिल से हूं मनमोह जी, मैं बॉर्डर पर हूं ताकि तुम सब चैन से यूं सो सको, मैं बॉर्डर पर हूं ताकि तुम अपना ना कोई खो सको, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूं क्योंकि धरती मेरी माँ है, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूं क्योंकि ये धरती मेरा मान है, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूं चाहे देनी पड़े मुझे जान है, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूं। हम फौजी लोग मरते नहीं शहीद होते हैं और ये मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। एंड इसके बाद काफी लोग आजकल अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं, सो चार बातें उन लोगों के लिए भी कि चार बातें उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे कर रहे फाइन है, चार बातें उन लोगों के लिए जो हैविंग टकीला विद लाइम है, चार बातें उन लोगों के लिए जो हैविंग अ सिप ऑफ वाइन है, और चार बातें उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं प्रॉब्लम इज नॉट माइन है। बाय द वे पूरे देश की प्रॉब्लम है, हम सबकी प्रॉब्लम है। एंड तो फौजी कहते हैं कि आज आप लोग चाहे मेरे गम में शामिल ना हुए, मैं भी नहीं चाहूंगा मेरे धरती माँ का बच्चा कोई मेरे लिए रोए, मैं शहादत में हूं, मैं धरती माँ की गोद में सोया, ये मेरे लिए काफी है, मेरी शहादत पर हंसने वालों जाओदी तुम सबको माफी है, क्योंकि तुम समझ ना पाओगे मेरे इस दर्द को, तुम समझ ना पाओगे बॉर्डर पर बैठे उस मर्द को, तुम समझ ना पाओगे मेरी इस बात को, तुम समझ ना पाओगे उस कातिलाना रात को, मेरे रक्त का कतरा कतरा मेरे देश के नाम है, मैं बॉर्डर पर खड़ा रहूंगा क्योंकि मैं फौजी हूं और यही मेरा काम है। मेरे फौजी भाइयों के नाम, मेरे देश के नाम, एंड थैंक यू दुष्यंत। कि एक जगह मैं खुश हूँ और एक जगह थोड़ा ये सोचता हूँ कि हाँ, तो इस वजह से शायद आपने अंदर सुना होगा मैंने ये अवार्ड अपने फौजी भाई जो शहीद हुए हैं उनको समर्पित किया है। एंड थैंक यू सो मच मुझे प्रो 50 आइकॉन में चुनने के लिए। देखिए यार, लाइफ तो काफ़ी चेंज हो जाती है, आप आम इंसान से एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, एंड बट विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उस चीज़ को संभाले रखना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो वर्किंग ऑन इट, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसको रोकने के बजाय इसको और आगे लेके चलूँ, तो यही मोटिव है। अपकमिंग प्रोजेक्ट जी डेफिनेटली टीवी पे जरूर देखने को मिलेगा। इट्स अ सरप्राइज फॉर यू गाइस, एंड डेफिनेटली जल्द ही मिलूंगा। जो अंदर रैप, एक्चुअली आई नीड अ म्यूजिक, बट मेरा जो टैलेंट है लाइक मैं कविता लिखता हूँ, मैं सिचुएशंस पे कविता लिखता हूँ कि शायद कोई चल रहा होगा तो मैं देखता रहता हूँ और मैं उसी पे लिख देता हूँ कुछ भी। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये वाक्य हुआ था, उस वक्त मैंने लिखा था ये चार शब्द, चार बातें मेरे फौजी भाई के लिए। मैं भारत का हूँ फौजी, लाइक इसका टाइटल ये। मेरा देश मेरी जान, मेरा देश मेरी शान, मेरा देश बहुत प्यारा, मेरा देश बहुत न्यारा। मैं भारत का हूँ फौजी, मैं दिल से हूँ मनमोजी, मैं बॉर्डर पर हूँ ताकि तुम सब चैन से यूँ सो सको, मैं बॉर्डर पर हूँ ताकि तुम कोई अपना ना यूँ खो सको, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ क्योंकि धरती मेरी माँ है, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ चाहे देनी पड़े मुझे जान है, मैं बॉर्डर पर ही खुश हूँ क्योंकि ये मेरा मान है। हम फौजी मरते नहीं शहीद होते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर लोग दिख रहे हैं, सो ये उन लोगों के लिए लाइक जो सोशल मीडिया पर फील कर रहे फाइन है, उन लोगों के लिए जो टेकिंग टकीला विद लाइम, उन लोगों के लिए जो हैविंग अ सिप ऑफ वाइन है, और ये उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम इज़ नॉट माइन है बट ये हमारे पूरे देश की प्रॉब्लम है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। तो उस पर फौजी भाई कहते हैं कि आज आप चाहे मेरे गम में शामिल ना हुए, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई भी बच्चा मेरे लिए रोए, मेरा धरती माँ की गोद में जाना मेरे लिए काफ़ी है, मेरी शहादत पे हंसने वालों जाओ दी तुम सबको माफ़ी है, क्योंकि तुम समझ ना पाओगे मेरे इस दर्द को, क्योंकि तुम समझ ना पाओगे बॉर्डर पर खड़े उस मर्द को, तुम समझ ना पाओगे मेरी इस बात को, तुम समझ ना पाओगे उस कातिलाना रात को, मेरे रक्त का कतरा कतरा मेरे देश के नाम है, मैं बॉर्डर पर ही खड़ा रहूँगा क्योंकि फौजी और फौज में काम करना मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद उन्हें शो से निकालने के लिए काफी बातें की जा रही है, आपको क्या लगता है उन्हें शो से निकाल देना चाहिए?